तो जय हिंद दोस्तों, बहुत हम आपको इधर उधर से दुर्गा माँ का पंडाल दिखा दी, अब हम आपको अपने गांव मासूमगंज का दुर्गा माँ का पंडाल दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे गांव में मासूमगंज में मेला लगा है। हमारे गांव में दो दुर्गा माँ बैठता है, एक न्यू दुर्गा स्थान है, एक पुरानी दुर्गा स्थान है। दोनों जगह जाएंगे और हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना, यहाँ से गेट है मासूमगंज का, जो दुर्गा माँ का पंडाल बना है यहीं से जो है कि मतलब शुरू होता है मेला का, मार्केट का। हम आपको लेके जा रहे हैं, पहले जो था ना थोड़ा सा आगे से था गेट, लेकिन इस बार थोड़ा आगे किया है, बाकी इस बार पिछली बार से थोड़ा सा अच्छा बना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि दुकान जो है कि यहीं से इस बार लगना शुरू हुआ, स्कूल के पास से ही। पहले जो था ना, पहले दूसरे जगह से था, पहले वहाँ था, लेकिन इस बार इतना बड़ा हो गया पंडाल की अब इस यहाँ से ही शुरू हुआ। मासूमगंज मार्केट में जो मेला चल रहा है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल रहा है आपको, छोला मिल रहा है, शरबत मिल रहा है, बाकी यहाँ पे देखिए कितना सारा दुकान भी खुल गया है और हम आपको अभी दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप भी है, तो दोस्तों ये है हमारे गांव का मासूमगंज का दुर्गा पंडाल। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। हम लोग बहुत सालों से दुर्गा पूजा यहाँ पे मनाते आ रहे हैं, लगभग 20 से 25 साल, और ये हमारी दुर्गा माँ है, मूर्ति बना हुआ है। यहाँ पे डलिया लोग चढ़ा रहे हैं, और देखिए कि डलिया वहाँ से लेते हैं हाथ में और फिर वहाँ से चढ़ा के वापस कर देते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ है। ये नई दुर्गा स्थान है, यहाँ पर जो है गर्मी के दिन उठता है यानी भसता है दुर्गा माँ, और यहाँ पे मोखा है, मोखा में नारियल फोड़ते हैं लोग, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, देखें कि कितना ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे मासूमगंज के नई दुर्गा स्थान। हम आपको अभी दर्शन कराएं, यहाँ पे अठवीं का दिन है और डलिया चढ़ाने वाला जो है ना सुबह से एकदम पूरा भीड़ ही भीड़ हो रहा है। तो हम आपको जैसे भी हुआ हम आपको दर्शन कराएं। बाकी कुछ इस तरह का अभी यहाँ पे पंडाल आपको दिख रहा होगा, बाकी उधर जो है वहाँ पे बैठे हैं कमेटी का लोग है, बाकी आपको इधर जो है कि बहुत अच्छा सा आपको नज़ारा दिख रहा है। हम आपको दिखाते हैं बजरंगबली के ऊपर से भी हम आपको दिखाएंगे, मतलब आपको मासूमगंज का हर तरह से आपको मेला घुमाएंगे, तो आप लोग बैठ के आराम से देखिएगा। कहां से आप दोस्तों यहां पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि डेकोरेशन का काम कर रहे हैं। बाहर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गाड़ी उड़ी आन जान हो रहा है, तो वॉइस का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे जो है आपको खिलौना का मतलब जो भी है फल उल सब चीज़ मिलता है, मिठाई का दुकान भी है। बाकी इस तरह का आपको नज़ारा आज के दिन दिख रहा है अठवीं का दिन, कि यहाँ पे जो है मासूमगंज में खिलौना का दुकान है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है हम आपको यहाँ पे भी दिखाते हैं। देखिए कितना ज़्यादा चीज़ यहाँ पे मिलता है, ये लालू दोस्त का दुकान है। और ये है विशाल बजरंगबली मासूमगंज का, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत नामी है, बहुत लोग जानता है, क्योंकि बिहार का ये बहुत ही फेमस मंदिर है ये बजरंगबली। आप लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा बजरंगबली है। तो दोस्तों बजरंगबली के ऊपर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिख रहा है मासूमगंज मार्केट पे, और नई दुर्गा स्थान जो है यहाँ पे देखिए पंडाल लगाए तो ढक गया है, कुछ दिख नहीं रहा है आपको। ये देखिए कैसा दिख रहा है, बहुत कड़क सा धूप है, हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा भी हीट हो जा रहा है। लोग देख रहे हैं मासूमगंज का मेला, आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अब हम आपको लेके चलेंगे उधर पुरानी दुर्गा स्थान। थोड़ा सा जो है मतलब कि दिक्कत ये हो जाता है कि महिला सब बहुत पूजा करने वाले, तो उस बीच में जाके वीडियो बनाना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हम आपको फिर भी दिखाने का कोशिश करेंगे अच्छे तरीका से। दो साल पहले हम यहाँ का वीडियो बनाए थे मासूमगंज दुर्गा पूजा का, और दो साल बाद अभी बना रहे हैं 2024 में। देखिए किस तरह से बदलाव हुआ और आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों देख रहे हैं आज के दिन जो है कितना ज़्यादा भीड़ है, हम आपको सभी चीज़ दिखा रहे हैं, बाकी जितना भी चीज़ है ना मासूमगंज का किस तरह से नज़ारा है आज के दिन वो हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको न्यू पुरानी दुर्गा स्थान लेके जा रहे हैं, रास्ते में आज मार्केट कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो दोस्तों इधर से ही पुरानी दुर्गा स्थान जाने का रास्ता है, आप देख रहे हैं किस तरह का सजावट है,
रात में जब लाइटिंग करेगा तो बहुत ज़्यादा सा अच्छा लगता है। जो भी मिल रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। 2 साल जब पहले हम आपको वीडियो बनाए थे तो इस तरह से हम आपको नहीं दिखाए, लेकिन इस बार जो है हम आपको सभी चीज़ अच्छे से दिखा रहे हैं। ये है मासूमगंज का पुरानी दुर्गा स्थान, आप लोग देख रहे होंगे कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। अभी अंदर जाके दुर्गा माँ का दर्शन कराते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है डलिया चढ़ाने के लिए महिला सब आए हुए हैं। तो ये था पुरानी दुर्गा स्थान, हम आपको अंदर मूर्ति का दर्शन कराएं। बहुत ज़्यादा महिला था यहाँ पे, बोल रहे डलिया चढ़ाने के लिए आए हैं, अष्टमी का दिन था तो इस वजह से हम आपको किसी भी तरह से हर एंगल से हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। कब से मना रहे हैं दुर्गा पूजा? पैदाइश से पहले से है, हम लोग जब से पैदा हुए हैं, मेरा उम्र 65 वर्ष हो रहा है, उसके पहले से जो है ये दुर्गा बन रही है। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आता है? ये 10-20 गांव, 50 गांव तक का लोग पहले आता था, अभी 10-20 गांव का लोग आ रहा है। अच्छा, ये जो दुर्गा माई कब उठता है? ये तो दसवीं को, दसवीं हाँ 6-7 बजते 8 बजते 8 बजते उठ जाता है। अच्छा, तो अभी कैसा चल रहा है 2024 में, पिछले साल से कैसा आया? अभी तक तो ठीक है, भीड़ भड़का भी बढ़िया है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है? नहीं, प्रशासन है। अच्छा, यहां अभी लड़की के छेड़छाड़ के लिए उसके लिए क्या सुरक्षा है? उसके लिए पुलिस प्रशासन है, व्यवस्था है, असरगंज थाना प्रभारी ने व्यवस्था किया है, यहाँ प्रशासन भी बैठा रहता है। हम आपको दुर्गा पूजा मासूमगंज का दिखा दिए, 2024 में कुछ इस तरह का है, हो सकता है 2025 में कुछ और बदलाव हो सकता है। अभी क्या क्या मिलता था खाने पीने में, चाट चाउमीन सब कुछ दिखाएं, और बाकी खिलौना में भी आपको दिखाएं कि क्या खिलौना बिकता है। बाकी यहाँ के लोगों से भी बात किए कि यहाँ कब से मना रहे हैं, बाकी आपको डिटेल पता तो चल ही गया होगा। बाकी आप शेयर कर दीजिएगा, तो मिलते हैं आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।